इंदौरा के गांव मंड घंडरा में एसडीएम की अगुवाई में एक दल गांव के एक परिवार द्वारा अवैध रूप से कब्जाई गई सरकारी 44 कनाल भूमि को मुक्त करवाने पहुंचा। टीम में एसडीएम इंदौरा सौमिल गौतम, थाना प्रभारी इंदौरा सुरेंद्र धीमान और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी शामिल रहे। एसडीएम ने बताया कि मामला नायब तहसीलदार कोर्ट इंदौरा में विचाराधीन था, जिस पर पूरी न्यायिक प्रक्रिया के तहत कब्जाधारियों को मकान और जमीन खाली करने के आदेश जारी किए गए थे, परंतु कब्जाधारियों ने आदेश नहीं माने। ऐसे में आज कार्रवाई करते हुए कब्जा छुड़ाया गया है। क्योंकि कब्जाधारियों के परिवार में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, लिहाजा सर्दी के मौसम को देखते हुए देखिए इसका हमारे नायब तहसीलदार की कोर्ट में ये केस पहले से चल रहा था और इनको पूरी जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत इनकी एडिक्शन ऑर्डर आज एग्जीक्यूट कराने आए हैं और हम तो बेसिकली इसको सुपरवाइज करने में आया हूँ। मैं और नायब तहसीलदार ये कानून को आदेश किए गए थे, इनको पूरा प्रॉपर नोटिस दिया गया है कि इस ज़मीन को खाली किया जाए और ये लगभग 44 कनाल ज़मीन है जो इन्होंने अवैध इनक्रोच करके रखी हुई सरकारी लैंड, तो इस पर हमने आज एक्शन लिया है। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि धीरे धीरे जहाँ पर भी अवैध कब्जे हैं उस पर प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगा। तो सर ये जो ज़मीन है इसमें इनके घर भी शामिल हैं? हाँ, इनके घर शामिल हैं और इनको ऑब्वियसली जैसे हमने बताया पहले इनको नोटिस दिया गया कि आप इसको खाली करें, बट फिर भी परिवार में थोड़े बच्चों को देखते हुए हम एक पोर्शन छोटा सा अभी छोड़ रहे हैं, कुछ इनको समय दे रहे हैं ताकि ये यहाँ से प्रॉपरली अपनी दूसरी जगह पर जा पाए। ठीक है, धन्यवाद जी। घर के एक हिस्से को कुछ समय के लिए खाली नहीं करवाया गया है।